हेलो दोस्तों, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है अनुज के 10 व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज की मैं वीडियो लेकर आई हूँ अपने मेकअप प्रोडक्ट की। जी हाँ, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे ये पूछा था कि दी आप कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट यूज करते हो, प्लीज़ आप हमें बताइए कि आप क्या क्या यूज करते हो, क्या क्या करते हो। तो वही मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपने मेकअप प्रोडक्ट जो भी मैं यूज करती हूँ। और ये सारे प्रोडक्ट ज़्यादातर 200 की रेंज में है, मतलब 200 के अंडर अंडर में ही हैं। और ये मैंने अपने लोकल मार्केट से परचेज़ किए हैं, ये कोई भी मतलब स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। और ये सब मैं अपने डेली में यूज करती हूँ और कोई भी प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ, घर में ही रहती हूँ ज़्यादातर, तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। पर जो भी मैं यूज करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं फेस वॉश कौन सा यूज करती हूँ। तो ये है वो फेस वॉश, ये पपाया का है और ये नेचर्स का है, और ये वाला फेस वॉश मैं यूज करती हूँ। तो ये भी मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 65 रुपीज़ का है, ओनली 65 रुपीज़ का है ये। उसके बाद मैं बात करती हूँ स्क्रब की। तो स्क्रब मैं करती हूँ लोटस का यूज, और ये भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 95 रुपीज़ है इसका प्राइस। और ये एप्रीकॉट का, ये वाला स्क्रब ना बहुत अच्छा रहता है, अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो ये भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ तो ब्लीच, तो मैं जो ब्लीच यूज करती हूँ वो करती हूँ गोल्ड की यूज, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से यही यूज कर रही हूँ गोल्ड वाली ब्लीच, क्योंकि ये मुझे कंफर्ट रहती है और ये नेचर्स की है वैसे भी, तो ये बहुत अच्छी रहती है, तो मैं यही ब्लीच यूज करती हूँ। और ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ओनली 70 रुपीज़ की है। तो ये वाली ब्लीच मैं घर पर ही कर लेती हूँ, मैं पार्लर वगैरह नहीं जाती हूँ ब्लीच वगैरह करने के कराने के लिए, ब्लीच फेशियल मैं घर पर खुद ही कर लेती हूँ। तो एक ये है, और नेक्स्ट है एलोवेरा जेल। तो ये है पतंजलि का एलोवेरा जेल, ये तो ज़्यादातर सभी के पास होता है मोस्टली, और ये पतंजलि का है तो कॉस्टली भी नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो एलोवेरा जेल तो यूज होता ही है, सभी के घर में यूज होता है, तो पतंजलि का आप लोग यूज कर सकते हो। और ये है फेस पैक, तो ये वाला फेस पैक है VLCC का, और ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 120 रुपये का है ये, और इसे मुझे 1 साल से ऊपर हो गया यूज करते हुए लगभग, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत अच्छा है इसका, मतलब खुशबू वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको मतलब घोलने की या किसी पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये लिक्विड आता है ऑलरेडी, और इसको आप फेस पर लगाइए, 5-10 मिनट छोड़िए और फिर फेस वॉश कर लीजिए। तो ये कुछ इस तरह से हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा रहता है मेरी स्किन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मैं बताऊँ तो फेस पाउडर, ये है लैक्मी का, और मैं फेस पाउडर लैक्मी का ही यूज करती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों का ना वो होता है कि अपनी स्किन को पता होता है कि हमारी स्किन पर कौन सा सूटेबल होता है। तो मैं पिछले 10-12 साल से जब से मेरी शादी हुई तब से मैं लैक्मी का ही यूज कर रही हूँ, मैंने और कोई ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी स्किन ख़राब ना हो जाए, उसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूँगी कि किस वजह से मुझे ये डर लगता है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट मतलब खरीदते हुए डरती हूँ मेकअप प्रोडक्ट, क्योंकि मेरी स्किन के साथ में ऐसा हो चुका है, तो वो किस वजह से हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मैं फेयर एंड लवली ब्रांड का कोई भी मतलब प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ, फेयर एंड लवली क्रीम जैसे कि सबको पता है मोस्टली बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग यूज भी करते हैं, लेकिन मैं यूज नहीं करती हूँ, उसके पीछे का एक रीज़न है, वो मैं फिर कभी आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्यों नहीं यूज करती उसको ब्रांड को। तो ये है लैक्मी, तो मैं यही यूज करती हूँ लैक्मी का फेस पाउडर। और नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ये है क्रीम, पॉन्ड्स की है ये, और बहुत छोटी सी है डिब्बी, और ये वाला पॉन्ड्स की क्रीम मैं यूज कर लेती हूँ डेली में, और इसको लगाने के बाद कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती फेस पर ऐसा। और
एक ये है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है और मैं ये भी लगा लेती हूँ। और ये भी 67 रुपीज़ की है ओनली, इतनी छोटी सी ट्यूब लेकिन चल जाती है। इसको अगर आप फेस पर कुछ भी ना लगाना हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, इसे लगा सकते हो तो ये चल जाती है। नेक्स्ट मैं बताऊँ तो मैं यूज करती हूँ एक ये लोटस की क्रीम है, ये लोटस की, और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, मतलब 99 रुपीज़ की ओनली। और आपको कुछ भी ना लगाना हो ना फेस पर, सिर्फ ये लगा लीजिए थोड़ी सी क्रीम, मैं आपको दिखाती हूँ इसे, ये कुछ इस तरह से है। और उसको थोड़ा सा लगा लीजिए बस फेस पर, तो आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फेस पर। ये देखिए इसको ना आप मेकअप वगैरह कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ने की अगर आप ये लगा रहे हो तो फेस पर। नेक्स्ट में बात करूं तो ये है कंसीलर, और ये कंसीलर स्विस ब्यूटी का है और ये मैंने फर्स्ट टाइम ही लिया था और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब जैसे कहीं शादी पार्टी वगैरह में जा रही हो ना तो मेकअप करना हो और आपको फेस पर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे पिंपल्स वगैरह के मार्क रह जाते हैं या फिर कुछ फुंसी वगैरह के किसी चीज़ के मार्क्स होते हैं, उनको छिपाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और ये कुछ इस तरह से है, देखिए तो ये आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। डेली वे में ये सब यूज नहीं करती हूँ, मैं पहले बता रही हूँ आपको, डेली में मैं ये सब यूज नहीं करती हूँ और अभी भी मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, कुछ नहीं लगाया हुआ है। तो एक ये है स्विस ब्यूटी का, है रैम्बल का 3-in-1 फेस प्राइमर, और ये भी बहुत अच्छा है प्राइमर और मैंने ये फर्स्ट टाइम ही परचेस किया है। और इसका प्राइस 230 है लेकिन ये मुझे 200 का पड़ा था और ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। प्राइमर है, फेस पर सबसे पहले हमें प्राइमर ही लगाना होता है मेकअप करने से पहले, क्योंकि इससे हमारे ओपन पोर्स सारे कवर हो जाते हैं, जितने भी हमारे ओपन पोर्स होते हैं वो सब कवर हो जाते हैं इससे। और ये बहुत, ये लिक्विड फॉर्म में है, मतलब जेल है ये, ये देखिए ये जेल है। ये जेल फॉर्म में है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो अगर आप लेना का सोच रहे हो तो ये ले सकते हो आप। तो ये रैम्बल का है फेस प्राइमर। एक्चुअली मुझे फेस प्राइमर भी स्विस ब्यूटी का लेना था लेकिन मैं नहीं ले पाई, मैंने यही ले लिया रैम्बल का, क्योंकि मुझे मिला नहीं था, अवेलेबल नहीं था तो मैंने यही लिया था और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक चीज़ और, जब भी आप मेकअप का प्रोडक्ट लें तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें, क्योंकि एक्सपायरी डेट लॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, बहुत लंबा टाइम होना चाहिए मेकअप प्रोडक्ट का। क्योंकि जो मैंने ये ख़रीदा है इसकी 2024 है एक्सपायरी डेट, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 2024, मतलब अभी मैं इसको, अभी 21 चल रहा है, 3 साल और यूज कर सकती हूँ। क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट डेली यूज नहीं होते हैं, कभी कभी जैसे कोई मेकअप करने का अच्छा सा मन होता है, लुक क्रिएट करने का मन होता है तब आप इसे यूज कर सकते हो, तो वही है। तो इसलिए जब भी मेकअप प्रोडक्ट लें तो एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। गार्नियर का मॉइस्चराइजर, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे सच में। और पहली बार, फर्स्ट टाइम मैंने ये मंगाया था, इससे पहले मैं यूज करती थी पैराशूट का मॉइस्चराइजर, लेकिन अभी आजकल ना वो मिल नहीं पा रहा है पैराशूट का मॉइस्चराइजर, पता नहीं क्या हुआ है। और उसके आगे मुझे और कोई अच्छा नहीं लगता था पैराशूट के मॉइस्चराइजर के अलावा, लेकिन जब से मैंने इसको यूज किया है तो मुझे इसके अलावा वो कोई और पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अगर आप लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो, गार्नियर का बहुत ही अच्छा है और इसकी स्मेल तो वाकई में बहुत अच्छा, जब भी आप इसे लगाते हो ना तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि पूरे घर में खुशबू फैल जाती है इससे लगाने से।
और नेक्स्ट में बात कर तो ये है यार्डले लंदन फेस, ये है पाउडर, तो ये वाला फर्स्ट टाइम ही लेकर आते हैं। ये 250 ग्राम का डब्बा है और 195 का है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज, मतलब मुझे अच्छा लगा, इसकी खुशबू वगैरह ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और अगर आप लेना चाहते हो तो ये भी ले सकती हो, मैं ये यूज करती हूँ। नेक्स्ट में बात कर दूँ काजल, ये काजल है 818 का, और इससे पहले मैं मैवलिन का यूज करती थी, और जो येलो वाला आता है मैवलिन का वो वाला, लेकिन अभी मैंने 818 का लिया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। मैं डेली काजल नहीं लगाती हूँ, कभी कभी यूज करती हूँ, तो ये ले सकते हो आप 818 का भी। और नेक्स्ट है ये जेल आईलाइनर, जेल स्केच फॉर्म में आता है ये आईलाइनर, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं लगाती थी, तो अभी मैंने ये मंगाया था। ये आईलाइनर है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये आईलाइनर, तो आप ये ले सकते हो। और नेक्स्ट मैं बात करूँ तो लिपस्टिक, लिपस्टिक आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा तो मेरे पास लिपस्टिक नहीं है, लेकिन जो भी हैं दो चार तो वो ब्रांडेड नहीं है, वो ऐसे ही लोकल शॉप से परचेस की हुई है मेरी, लेकिन ब्रांडेड में सिर्फ ये है 818 की लिपस्टिक, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कलर इसका ये है पिंक कलर। और इसके अलावा एक लिपस्टिक ये है, ये मैट लिप वाटर प्रूफ है ये, और ये वाली मैं कभी कभी यूज करती हूँ, कभी कोई पार्टी हो या कुछ हो तभी यूज करती हूँ बस इस वाली लिपस्टिक को, क्योंकि ये 24 हावर्स चलती है और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा है। और इसमें ना एक चीज़ और है, ये रेड कलर में है और इसमें ना यहाँ पे लिक्विड दिया हुआ है, जो लिपस्टिक लगाने के बाद ये लगाती हूँ ना तो और भी ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है इस लिपस्टिक की। कलर्स क्यून की है ये और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये, रिच रेड 26 इसका लिखा हुआ है यहाँ पे कोड। तो बस फ्रेंड्स यही थे मेरे मेकअप प्रोडक्ट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर थोड़े से भी मेकअप प्रोडक्ट अच्छे लगे हो मेरे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।